हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद रहा है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट एरिया कवर अप करता है। ये स्टार्ट हो जाता है फंडामेंटल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेकर डेट तक के लिए। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमने टॉपिक को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ में और वर्ड यूज किया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, मगर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में और स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज ना करके रिवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही यूज करिए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो एरिया है वो काफी वास्ट होता है। जैसे आप देखें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कंडीशन में यूज होता है। फिर आपके मन में आएगा कि सर और कहां यूज हो सकता है। ये एडमिशन की कंडीशन में यूज होता है, रिटायरमेंट की कंडीशन में यूज होता है, डेथ की कंडीशन में यूज होता है। इसका मतलब है कि जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो में चेंजेस होता है तो एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए कंपलसरी हो जाता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट समझना चाहिए आपको कि ये किस टाइप का अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट रियल है, नॉमिनल है कि पर्सनल है। देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट का नॉमिनल अकाउंट का रूल ही फॉलो किया जाएगा। मींस डेबिट के रूल में Yes, all expenses are debited and credit में all incomes are credited। तो इसी concept को लेकर के ही हम लोग evaluation account को prepare करते हैं और ये assets and liabilities के behalf पर ही work करता है। आगे आपको और बता दें कि revaluation account को लेकर के dissolution के समय में confusion नहीं होना चाहिए, क्योंकि revaluation के समय में business जो है वो continue रहता है। पार्टनर्स के बीच में रेशियो में थोड़े से चेंजेस होते हैं। अगर एडमिशन है तो ए और बी पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया, हम एज्यूम करते हैं कि सी को एडमिट किया, तो ए और बी के रेशियोज में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो उसका इफेक्ट भी होगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ कंपल्सरी हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना कि एग्जैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन बिजनेस की आ रही है ये पता चले, और इसका जो इफेक्ट होगा प्रॉफिट या लॉस का वो ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? टू फाइंड पी एंड एल मींस प्रॉफिट एंड लॉस। टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो इट इज डायरेक्टेड विद द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉट फॉर द एक्सपेंसेस एज वेल एज द इनकम। बट द डिफरेंस ऑफ दीज थिंग यू कैन सी वेरी इजली डिफरेंसेस। वेन एवर आई एम सेइंग अ डिफरेंसेस और डिफरेंस इन द अमाउंट, इट मीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, न्यू वैल्यू और न्यू अमाउंट विच विल बी गिवन इन अ न्यू बैलेंस शीट। देन ओल्ड अमाउंट, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है और न्यू बैलेंस शीट की वैल्यू के बीच के डिफरेंस को ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। फर्दर नेट इफेक्ट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हमारा अकाउंट कंप्लीट होता है, देन द नेट इफेक्ट वट एवर बी कम्स आउट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट, मे बी इट्स कम एज अ नेट प्रॉफिट और अ नेट लॉस, इट वुड बी ट्रांसफर टू अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मे बी अ पोजिशन ऑफ डेबिट और अ क्रेडिट। So, this is the net effect. Then it is transferred to partner's capital account. In this way, the importance of partner's capital account is also increases because the impact of or effect of revaluation account must be shown in a partner's capital account. After then, this is the explanation of the revaluation account, because you all know this is the account which includes our two sides, debit as well as the credit side. So firstly discuss what items come and with what effect on the debit side. Basically, debit or credit both includes the two types of conditions, means recorded value as well as the unrecorded value.
You can see it on the credit side also, recorded value and the unrecorded value. Now further, this recorded and unrecorded value is divided into the major two parts. This is the main rule of making a revaluation account. First thing is related with your assets and second thing is related with your liabilities. It means effect on assets. When the effect on assets is decreases, then show on the debit side. Decrease in assets. Then increase in liabilities. So two effects, increase of liabilities and decrease of assets, show on this side, debit side. And after that, on the credit side is the vice versa. When the assets is increases and the liabilities is decreases, then show on the which side, credit side. This is the basic explanation of the revaluation account. Now class, see over here written the word is differences. What is the basic meaning of differences? ये सिर्फ एक अंतर है जो आपकी न्यू वैल्यू जो बैलेंस शीट में आनी है उसका और जो ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है उसके ऊपर दोनों का डिफरेंस. सो न्यू अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन एडजस्टमेंट्स एंड दिस ओल्ड अमाउंट इज गिवन इन यस ओल्ड बैलेंस शीट. तो क्लास अब मैं आपको जो है डिफरेंस जो टर्म दे रखा था उसको समझाता हूं इस चार्ट की हेल्प से कि डिफरेंस जब भी आ रहा है तो वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू के बीच का है. अब यहां पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही स्मॉल सी ट्रिक आपको देना चाहूंगा और स्टूडेंट चाहे तो अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लें और ये बहुत हेल्प करेगा. बेसिकली रिवैल्यूएशन का जो बेटा इम्पैक्ट होगा वो एसेट्स और लायबिलिटीज का होगा और जो भी इसका इफेक्ट होगा या तो वो इंक्रीज वैल्यू होगी या तो फिर वैल्यू डिक्रीज में होगी. अब अगर हम एसेट्स को देखते हैं कि एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज करते हैं डिफरेंस की वैल्यू को कहां शो करेंगे. अगर एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो इफेक्ट क्रेडिट में होगा और अगर एसेट्स हमारे डिक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट डेबिट में होगा. After then liabilities vice versa, मतलब ठीक अपोजिट. liabilities अगर इंक्रीज करते हैं तब उनको हम डेबिट में शो करेंगे और liabilities अगर डिक्रीज करते हैं तब उनको हम क्रेडिट में शो करेंगे और ये डिफरेंस ही होगा और डिफरेंस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को शो करती है. समझना है तो इसके पॉइंट्स को अगले दो मिनट बहुत ही ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर मैंने वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज का इंपैक्ट न्यू और ओल्ड में लिया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मल्टीपल हमारे पास एट मैंने पॉइंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए और अगले कॉलम पे एसेट्स लिया है और लायबिलिटीज और आपकी हेल्प के लिए मेंशन कर दिया है कि ये एसेट्स है तो ए, लायबिलिटीज है तो एल. क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स कुछ कंटेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे दे रखा है अक्रूड कमीशन या फिर गिवन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसको समझने के लिए मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा है. आफ्टर देन द न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू की हेडिंग का टॉप पे देखिए मैंने डायरेक्टली लिखा है. तो क्वेश्चन में ये वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती है. अभी सिर्फ डायरेक्टली की बात कर रहे हैं. मैं इसी लेक्चर में आगे अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे होगा वो बताऊंगा. तो आपको इजी लगे इसके लिए न्यू वैल्यू हर कंटेंट की मैंने 1 लाख ही ले ली और फिर 6, 7 और 8 में वैल्यू थोड़ी सी चेंज करी. देन हमारे पास गिवन है ओल्ड वैल्यूज. फिर कॉलम हमारे पास आता है फोर्थ जो कि डिफरेंस का है जिसके ऊपर की हम रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट दिखाएंगे. अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखिए तो यहाँ पे जो कंटेंट है ये मशीनरी है. मशीनरी के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ओल्ड वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 1 लाख एंड द न्यू वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो 1 लाख. इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस इन दैट कंडीशन वी फाइंड अ 0. इसका मतलब है अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है उस पे नो इफेक्ट लिख दिया क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है डिफरेंस वाले कॉलम पे. अब मैं स्टेप वाइज आपके साथ करता हूं. सेकेंड हमने लिया है बिल्डिंग. बिल्डिंग इज अ एसेट इसलिए ए से रिप्रेजेंट किया. इसकी न्यू वैल्यू है 1 लाख और ओल्ड वैल्यू इसकी थी 1,20,000. जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि 25,000 डिक्रीज कर रहा है. जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी तो उनके लिए मैंने टॉप पे भी इस कॉलम को लिख दिया दिस इज कॉलम नंबर 4 और कैसे आया सेकंड में से थर्ड को माइनस करने पर.
ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेकंड कॉलम की वैल्यू थी 1 लाख में से 1,25,000 को माइनस करिए तो आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव 25,000। तो अब देखिए अगर एसेट्स नेगेटिव होता है तो एंट्री कहां होगी? डेबिट में होगी। इसलिए ये ट्रिक आपको ये चार्ट बहुत ही हेल्प करता है। देन हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टॉक के लिए। तो स्टॉक हमारा एसेट्स है और स्टॉक की न्यू वैल्यू है 1 लाख, ओल्ड वैल्यू इसकी 75,000 से अब ये 1 लाख हुआ है, इसका मतलब 25,000 इंक्रीज कर रहा है। अब अगर 25,000 इंक्रीज कर रहा है या पॉजिटिव है तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एसेट्स की। एसेट्स अगर पॉजिटिव होता है तो इंपैक्ट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो इस वजह से यहाँ पर इफेक्ट जो है वो हमारा क्रेडिट का हो गया। ये हमारे पास 1, 2, 3 पॉइंट हो गए। अब इस 3 पॉइंट के बाद में यहाँ पर मैं एक लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो नीचे का इंपैक्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो ये नीचे के ऊपर इंपैक्ट है ये लायबिलिटीज के लिए है और फिर उसके बाद में मिक्सचर फॉर्म पे है। अब लायबिलिटीज में 2 पॉइंट है, फोर्थ है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। ये 1 लाख रुपीज के न्यू है और ओल्ड वैल्यू 1,10,000 का था। इसका मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। और जब लायबिलिटीज आपके डिक्रीज करते हैं तो उस चार्ट की हेल्प आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लायबिलिटीज अगर आपका डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में हमें उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये वैल्यू जो है लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। देन अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, बिल्स पर बिल। ये भी लायबिलिटीज है और यहाँ लायबिलिटीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये लायबिलिटीज पहले 80,000 थी, अब 80,000 से न्यू वैल्यू हो गई 1 लाख। इसका इफेक्ट देखिए इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लायबिलिटीज में जब पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको डेबिट लिख दिया गया। आफ्टर देन एक और मैं यहाँ पर लाइन आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि ऊपर के जो 2 पॉइंट हम लोगों ने किए उसमें ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू गिवन थी। अब हम आगे की बात करते हैं जिसपे लिए हमारे पास देखिए कि कहीं पर भी ओल्ड वैल्यू गिवन नहीं है। अगर ओल्ड वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब है ये वैल्यू बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं थी, डायरेक्टली ही एडजस्टमेंट्स में ये इंपैक्ट दे रखे हैं। तो अगर इंपैक्ट होंगे तो वो दो ही होंगे, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, और टू ही कंटेंट के ऊपर होगा, या तो वो एसेट्स होगा या फिर वो लायबिलिटीज होगा। तब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। 6 हमारे पास गिवन है अक्रूड कमीशन, इसका मतलब होता है एसेट्स। अगर ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होता तब वो लायबिलिटीज होता। तो अक्रूड कमीशन हमारे लिए एसेट्स है, 30,000 से है, ओल्ड वैल्यू कुछ नहीं है। तो अगर ओल्ड वैल्यू कुछ नहीं है तो जरा सा दिमाग लगाइए और ध्यान से देखिए कि हमको 2 - 3 करना है तो 30,000 - 0 करना है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। और जब वैल्यू पॉजिटिव आए तो हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स में वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट का होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर इफेक्ट में क्रेडिट लिख दिया। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। ये प्रीपेड इंश्योरेंस इसलिए दोबारा एसेट्स नेचर को रिपीट करने के लिए बोर्ड पर लिखा है कि आप इंपॉर्टेंट समझिए कि अगर कोई वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे। जिन लोगों को जरा सा डाउट हो तो फिर से ध्यान दे दीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट्स है और उसकी न्यू वैल्यू 40,000 है, ओल्ड वैल्यू गिवन नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है। इट मींस ये इंक्रीज इन एसेट्स होगा। और अगर इंक्रीज इन एसेट्स एंड एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए देखिए हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। आफ्टर देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस है जो भी आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट आपके 10,000 है जो कि न्यू बैलेंस शीट में, ओल्ड वैल्यू इसके ऊपर गिवन
नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आउटस्टैंडिंग डेट सीधे सीधे आपके इंक्रीज कर रहे हैं। लायबिलिटीज को देखिए चार्ट को, तो चार्ट में देखेंगे कि जब कभी भी लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तब उसको हम डेबिट करेंगे। तो इस चार्ट को मैंने सिर्फ इस वजह से आपको बताया कि आप कंटेंट समझ सके कि डिफरेंस कैसे आता है और डिफरेंस का इंपैक्ट हम कहां शो करेंगे। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप कर लीजिएगा। इस ट्रिक पे एसेट्स और लायबिलिटीज का इंपैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर गिवन है। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंदी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।